हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वॉचवर्ड्स। फर्स्ट वॉचवर्ड है न्यूट्रिएंट्स, द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड दैट आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। ऐसे पदार्थ जो हमारे भोजन के अंदर मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं और हमारे शरीर के लिए क्या है, एसेंशियल, ज़रूरी होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पोषक तत्व। ऐसे पदार्थ जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सेकंड आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता है संतुलित आहार, ए डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट फूड इन अप्रोप्रिएट अमाउंट टू कंप्लीट आवर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। एक ऐसा आहार जिसके अंदर अलग अलग अमाउंट में क्या है, डिफरेंट फूड को ऐड करेंगे हम अलग अलग अमाउंट में, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, तो सब की क्या है, डेली हमें क्या है अपनी डाइट के अंदर सबको थोड़ा थोड़ा अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमें ऐड करना है। वो क्या करेगा, अलग अलग फ्रूट वेजिटेबल मिल्क हमें क्या, उससे हमारी क्या होगी, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, टू कंप्लीट आवर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एक अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो, वो बैलेंस डाइट कहलाता है। थर्ड हम पढ़ेंगे डिजीज होता है रोग, एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ अवर बॉडी इन विच बॉडी फंक्शंस गेट डिस्टर्ब। एक ऐसी कंडीशन हमारी बॉडी की जिसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है, जो भी हमारी बॉडी फंक्शन करती है, वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह हम डिजीज होती है तो हमें क्या है, नींद आने को हो जाती है, स्लीप, और हमें बिल्कुल रेस्ट करने का मन करता है, कुछ काम करने का मन नहीं, और हल्का हल्का सा महसूस होता है। तो उसके दौरान क्या है, हमारी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है और फंक्शन क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज, ए डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। एक ऐसी डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को पहुँच सके, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम क्या है, अगर एक पर्सन इन्फेक्ट होगा ना, दूसरा पर्सन भी उससे हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है, जैसे उसके छींकने से, थूकने से, उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, हाथ मिलाने से भी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ए डिजीज दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एक ऐसी डिजीज जो स्प्रेड नहीं होती इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को, जैसे किसी को विटामिन बी की कमी है, बी की कमी से क्या है, बेरी बेरी होता है, डिजीज होती है। अब वो एक पर्सन को है, इन्फेक्ट है, उसके साथ में रह रहा है, जिस तरह मदर को है, उसके बच्चा उसके साथ रह रहा है, वो तो प्रॉपर डाइट ले रहा है, तो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कभी भी नहीं फैलती। उसके बाद है इम्यूनिटी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर कितनी है, ना द नेचुरल एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एक प्राकृतिक हमारी जो क्षमता होती है बॉडी की, किसी भी जर्म्स के साथ, कीटाणु के साथ लड़ने की क्षमता, जो कि इन्फेक्शन को से हमारा बचाव करवाती है, वो कहलाती है इम्यूनिटी। एक हमारी बॉडी की अच्छी एबिलिटी, क्षमता वही होती है जो किसी भी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इम्यून पावर अगर हमारी तेज होगी, जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस, उसके बारे में तो क्या है, जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतना ही हम डिजीज के से लड़ने में सक्षम होंगे ज़्यादा। उसके बाद है वैक्सीन, द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी और बूस्ट नेचुरल इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स। कुछ पदार्थ जो कि जो हमारे नेचुरल इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में और जो उनसे लड़ने में, जर्म्स से लड़ने में हेल्पफुल होता है, वो कहलाती है वैक्सीन। ये वैक्सीनेशन दी जाती है जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको अलग अलग मंथ के अंदर दी जाती है, जिस तरह ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, जिस तरह पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, इससे हमें बच्चों को क्या है, पहले इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं। जिस तरह अगर पोलियो किसी बच्चे को बाद में भी हो सकता है, बट क्या है, उसको वैक्सीन दे दी तो उससे लड़ने की क्षमता उसके अंदर पहले से हो जाती है। लेटेस्ट रिकॉल में इस चैप्टर का थोड़ा सा दिया हुआ है हिंट, क्या क्या मतलब फूड के अंदर हमें लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमें और फैट क्या है, हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन हमें बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, विटामिन, प्रोटेक्टिव फूड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। डिजीज अभी पढ़ा, दो टाइप की डिजीज, और डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, अभी प्रोसेस बताई है मैंने, वैक्सीनेशन।
कल इसकी टेस्ट सीरीज अच्छे से रिवाइज करना बेटा, कल इसकी टेस्ट सीरीज करेंगे।